लाब्रिया में गत दिनों हुए पत्रकार दिनेश मारू की हत्या को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ। दिनेश मारू की हत्या हुई 20 दिन होने को आए, लेकिन राजौत पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। राजौत थाना अंतर्गत लाब्रिया में गत दिनों हुए पत्रकार दिनेश मारू की हत्या को लेकर अभी तक संशय बना हुआ। दिनेश मारू की हत्या को 20 दिन होने को आए, लेकिन राजौत पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। इस संबंध में जब राजौत टीआई मीना कर्णावत से पत्रकारों द्वारा चर्चा की गई तो टीआई का कहना है कि हमें नहीं लगता कि दिनेश की हत्या हुई है। जिसने इसके डूबने की खबर दी थी उससे पूछताछ में भी सिर्फ पानी में डूबने की बात ही बताई है। जब टीआई से यह पूछा गया कि पीएम करने वाले डॉक्टर जैन इसे हत्या बता चुके हैं, तो पुलिस क्यों नहीं मान रही हत्या की बात। इस पर से टीआई ने बताया कि डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा है कि कोई नुकीली चीज छाती में घुसी है और संभव है पानी में कूदने के दौरान दिनेश को कोई नुकीली चीज लगी हो सकती है। फिर भी फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद और भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जबकि CHC सरदापुर से प्राप्त PM रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि इसके बाद भी अन्य जांचों को लेकर मामले को ढील देना कई सवालों को जन्म दे रहा। सूत्रों की माने तो आदर्श आचार संहिता लगी होने के बाद भी इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप जारी है, जो मामले को प्रभावित करने में लगे हुए। हालांकि क्षेत्र के सभी अखबारों ने दिनेश की मौत को डॉक्टर जैन साहब के वक्तव्य के आधार पर हत्या बताया है। वहीं लाब्रिया के गलियारों में चल रही चर्चा के अनुसार पुलिस जानबूझकर स्थिति स्पष्ट करना नहीं चाह रही है। इसके पीछे भी यह तर्क दिया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते हुए पुलिस द्वारा सहयोग नहीं करने के कारण 181 और अन्य जगहों पर मृतक दिनेश द्वारा पूर्व में पुलिस के खिलाफ कई शिकायतें की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस मामले में ढील हो रही है। मृतक दिनेश के पिता का कहना है कि हमारा विवाद बहुत पुराना चल रहा था, जिसके चलते हत्या की गई है। इसी विवाद के चलते पहले मुझे भी बुरी तरह मारा था। दिनेश की मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास है। पुलिस जानबूझकर तर्क दे रही है कि कुछ चुभने से हत्या हुई है, लेकिन मेरे बच्चे को मारा गया है। राजौत थाने में ही 15 से 20 रिपोर्ट हमारे द्वारा पूर्व में दर्ज है, लेकिन पुलिस जानबूझकर इस हत्या को असमझ में डाल रही दिया है। वैसे भी राजौत थाना अंतर्गत कई मामले ऐसे हैं जिसमें पुलिस असफल रही। राजौत के रानीखेड़ी में अपहरण 13 वर्षीय राहुल और नेपावली से अपहरण 8 वर्षीय सपना का आज तक पता नहीं लग पाया। इसी प्रकार लाब्रिया की माही नदी से एक बुजुर्ग महिला की लाश, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, जिसमें उस महिला की हत्या होना स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि ना तो आज तक पहचान हो पाई और ना ही उसके हत्यारों तक पुलिस पहुंच पाई। इसी प्रकार कुछ दिन पूर्व राजौत में ही एक नाबालिग बच्ची की संदेहास्पद मौत का मामला भी अधर में अटका पड़ा है। क्या है पूरा मामला? मेरा लड़का ने मार दिया किसी को, नहीं लियो केवल बांधने। परिवार तो झगड़ो चल गया सब। परिवार वाला है यार, इतना तो चाहिए ना। बुलाओ बुलाओ करके मार दिया। किसने बुलाया था? किसने बुलाया? अच्छा, किसने बुलाया? कहा मेरी केवल बिछाना है। तो फिर फरार हो गया सब। सब भी आया, सब आया, सब भी हुए। हमारे विवाद चले गए। 15 रिपोर्ट है हमारे परिवार से। इन्हों 8-9 जना है। एक कांटे पीछे लगा हुआ है। बार बार दिक्कत करता है। सामने वाला हमें को नहीं। साहब ने सामने बुलाया था। तहसीलदार साहब ने भाग गया है। कि मैं यूँ करूँगा, मैं यूँ करूँगा, कि भाग गया है। हमारा बयान है बाद में मार दिया ना। ये तहसीलदार साहब राहुल छोड़ने वाला है। मार दिया साहब भी आया तो मौका पे देखने गया है ना। आज भी आऊंगा। 11 बजे आना तो लाया नहीं है। आऊंगे मैं। बेहाल पड़े हूँ। मेरा दिनेश लड़का एक ही था। ये अकेला मार दिया, कब भी मार दिया। मैं परेशान हो गया। पुलिस सुनो ही नहीं कर रही है। और पुलिस का मैं काले गया था तो नहीं होने उतर है। और मैं बहुत मुसीबत में हो गई। मेरी जान। तो प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से ये मांग है कि हमारे काय भी निकाल करो, नहीं तो हमको सबको मार देगा। अच्छा, आपकी जान को खतरा है? बहुत खतरा है।
आपका शुभ नाम? रघुनाथ। खराबी है।